हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। गाइस, आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है और अमेजिंग होने वाली है जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। ओके, तो ये ऐप आपको कई सारे बेनिफिट्स देने वाला है और रियली आप मेरी वीडियो देखेंगे तो कहेंगे रियली ये ऐप वास्तव में एक ऐसा ऐप है जो व्हाट्सएप के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और इसको इंस्टॉल जरूर करना। तो गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं इस ऐप के बारे में और इस ऐप के फीचर्स। तो गाइज, आ गया हूँ मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर वन बाय वन आपको मैं इसके फीचर्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सबसे अमेजिंग फीचर्स की बात करने वाला हूँ। तो पहला फीचर है वॉक एंड चैट मस्ट यूज। ओके, तो मैं इस फीचर पर क्लिक करने वाला हूँ। ओके, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है कि वॉक एंड चैट, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस फीचर विल सेट द बैकग्राउंड लेयर ऑफ द कैमरा इन रियल टाइम विद लेजर कैपेसिटी। मतलब इसको ऑन करते ही व्हाट्सएप में आपकी कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया है, अब मैं अपने व्हाट्सएप की तरफ चलता हूँ। मैं यहाँ पर ओपन व्हाट्सएप पर करता हूँ क्लिक, और ओपन व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हो कि इसके पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हो। मतलब जब आप चलते में चैट कर रहे हो तो आपका एक्सीडेंट होने का डर खत्म हो जाता है और आप इसके पीछे का भी देख सकते हो। मैं देखो ये चीज लाता हूँ इसके पीछे और मुझे पीछे बैकग्राउंड का भी यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो ये फीचर्स मुझे सबसे बेस्ट लगा, सबसे अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। इसमें वापस आते हैं और वापस आने के साथ साथ अब यहाँ पे दूसरे फीचर की बात करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस सेवर। ओके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिल जाता है एक ऑप्शन, जो ऑप्शन है हमारा रिसेंट स्टोरी एंड सेव्ड वीडियो। तो जैसे ही मैं रिसेंट स्टोरी पे क्लिक करता हूँ तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वो मुझे स्टेटस देखने मिलेंगे जो मैंने अपने व्हाट्सएप पर देख लिए हैं, वही यहाँ पर शो होंगे। अगर आपने कोई स्टेटस नहीं देखा है तो यहाँ पर शो होगा नहीं, पहले आपको व्हाट्सएप पे देखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर शो होगा। चलिए, तो वीडियो वाला स्टेटस आ गया और इमेजेस पे क्लिक करें तो यहाँ पर इमेज वाले आ रहे हैं। तो चलिए मैं इनको आपको साथ के साथ डाउनलोड करना ही बता दे रहा हूँ। जैसे कि मेरा ये फ्लावर वाला है, ओके, फ्लावर वाले पे मैंने क्लिक कर लिया और ये नीचे डाउनलोड का आ रहा है, इस पे डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ और ये मेरा सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। चलिए इसके साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये डाउनलोड होने के बाद कहाँ गया है। डाउनलोड होने के बाद हमारा गया है सेव्ड स्टोरी में, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है सेव्ड स्टोरी में देख सकता हूँ। और मैं यहाँ पर इमेज पर क्लिक करता हूँ तो इमेजेस जो मैंने सेव की थी वो मेरी सेव हो चुकी है। मतलब मेरा ये है कि आप अपने व्हाट्सएप स्टोरी स्टेटस भी सेव कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स का इससे। चलिए अब बात करते हैं अपने थर्ड फीचर की, और थर्ड फीचर है हमारा अनसेव्ड नंबर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर एक नंबर इंसर्ट कराना है और मैं यहाँ पर एक कोई नंबर डाल देता हूँ। तो मैं नंबर डाल लिया और मुझे यहाँ पर ऊपर मैसेज लिखा हुआ है एंटर मैसेज, मैं यहाँ पर मैसेज टाइप कर लेता हूँ हाय और मैं कर देता हूँ सेंड। सेंड करने के बाद हाल फिलहाल मेरे पास दो व्हाट्सएप चल रहे हैं तो मुझे किस व्हाट्सएप पे सेंड करना है, मैं हाल फिलहाल अपना व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पर आ गया हाय। आप देख सकते हो कि यहाँ हाय लिखा आ रहा है। ओके, और बैकग्राउंड में साथ के साथ मेरा बैकग्राउंड होना तो बैकग्राउंड भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ से हाय पर क्लिक कर देता हूँ और हाय सेंड हो चुका है। मतलब मैं अपना नंबर सेव किए बिना ही व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकता हूँ। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट फीचर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो फीचर ऑन किया था उसको ऑफ कर दे रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी और मैंने ऑफ कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फीचर फेक चैट। ठीक है, फेक चैट आप बहुत ज्यादा लगाते हो, मैंने देखा अक्सर अपने फ्रेंड्स को फेक चैट लगाते हैं और फेक चैट लगा के वो अपना इंप्रेशन दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ ट्राई किया, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। चलिए, तो फेक चैट के लिए सबसे पहले आपको एक यूजर बनाना पड़ेगा जिससे आप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे कॉर्नर पे से और यहाँ से मैं अपना ही नाम का फेक चैट कर लेता हूँ, प्रवीण कुमार। डीपी भी लगा सकते हैं, स्टेटस ऑनलाइन, जो भी आपको दिखाना हो। और यहाँ से आप ओके कर देने वाले हैं और मैंने यहाँ से सेव कर दिया। ओके, सेव करने के बाद यहाँ बन चुका है, अब मुझे चैट करनी है। तो चैट करने के लिए आप मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ ऊपर प्रवीण ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है और मुझे चैट करनी है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाय। ठीक है, मेरा मैसेज यहाँ पर हाय लिखने के बाद सेंड कर देता हूँ, सामने वाला पर जा चुका है ये मैसेज। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लूटूथ भी आ रहा है। ओके, अब मुझे रिटर्न का मैसेज मैं अपने आप भेज सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ अपना हेलो। ओके, और वापस इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे रिप्लाई भी मिल जाता है। तो इस तरह आप फेक चैट बना सकते हो। और अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर आ जाता है अपना व्हाट्सएप क्लीनर। ओके, मैं व्हाट्सएप क्लीनर को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस क्लीनर डज नॉट क्लियर कैचे और समथिंग एज द टू बूस्ट योर व्हाट्सएप, इट गोज डीप इनसाइड एंड डिलीट जंक मेक टू योर व्हाट्सएप स्मूथ। मतलब ये कि जंक फाइलों को ही रिमूव करेगा। ओके, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ
और यहाँ पे कर रहा हूँ स्टार्ट। जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया है यहाँ जंक फाइलें रिमूव होना चालू हो जाएंगी। यहाँ पर परसेंटेज चल रही है, परसेंटेज आप देख सकते हो, और यहाँ पर जंक फाइलें रिमूव हो चुकी हैं। तो व्हाट्सएप पे जंक फाइलें आ जाती हैं, रिमूव करने के लिए आप रिमूव कर सकते हो इससे। चलिए नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, ASCII फेसेस। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ फेसेस बने हुए हैं, आप इनको सेंड कर सकते हो। यहाँ पर एंग्री पर क्लिक करके एंग्री वाले फेसेस आ जाएंगे, अदर वाले पर आ जाएंगे, और यहाँ से आप शेयर पे क्लिक करके शेयर कर सकते हो कि हर किसी के सामने शेयर बना हुआ है, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। चलिए अब आता है टेक्स्ट रिपीटर। जैसे मैं यहाँ टेक्स्ट रिपीटर पर क्लिक कर देता हूँ, तो क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपको रिपीट टेक्स्ट, मतलब कोई टेक्स्ट रिपीट करना है। जैसे मैं हाई लिख देता हूँ और हाई को मुझे कितने 5 टाइम रिपीट करना है, तो मैं 5 लिख के मैं रिपीट पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर 5 टाइम ये क्लिक हो जाएगा, और साथ के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये हो चुका है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम, नेक्स्ट फीचर कैप्शन स्टेटस। देखिए स्टेटस कैप्शन की बात करें तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर स्टेटस लगाने के लिए लव है। ओके, तो लग पर देखिए कई सारे स्टेटस यहाँ पे आ गए हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, या फिर मैं कहूँ कि लाइफ की बात करें तो लाइफ वाले भी कई सारे आ चुके हैं, आप इनको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो इस तरह इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए वापस पास आते हैं, टेक्स्ट इमोजी। देखिए तो मैं टेक्स्ट इमोजी पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ चैट लिखा हुआ है, मैं चैट पर क्लिक करता हूँ, और चैट में मतलब इसका अभी समझेंगे आप कि मैं लिखता हूँ यहाँ हैप्पी बर्थडे। ओके, हैप्पी कैपिटल में लिखना चाहो तो कैपिटल में, स्मॉल में लिखना चाहो तो स्मॉल में, और अब बर्थडे लिखता हूँ यहाँ से। अब हैप्पी बर्थडे का यहाँ पर इमोजी बन जाएगा, तो सबसे पहले मुझे इमोजी सेलेक्ट करने हैं, तो मैं कॉर्नर पे से जाता हूँ और इमोजी केक वाला इमोजी ले लेता हूँ। मैंने केक वाला ले लिया और यहाँ आ चुका है, सॉरी यहाँ पर नहीं आना था, इसको वापस करता हूँ, मुझे यहाँ पर लेना था, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से केक की बात करूंगा, हैप्पी बर्थडे कर रहा हूँ, और मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करता हूँ, देख सकते हो कि यहाँ पर ये H1 के आ गया, A1 के आ गया है, मैं थोड़ा पास में ले आता हूँ इसको, A1 के आ गया, PPPY, और यहाँ पर बात करते हैं बर्थडे। तो इस तरह पूरा लिख के आ गया है, आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हो। मैं शेयर करके दिखा देता हूँ आपको, और मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ और मैं अपने नंबर पे शेयर कर लेता हूँ यहाँ से, और शेयर। ओके, शेयर, तो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे केक का लिखा हुआ आ गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर HAPPY। तो वहां आप कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में आ जाएगा, स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में आ जाएगा। तो इस तरह हमें मिल जाते हैं कई सारे फीचर्स, और यहाँ पर मैं सबसे एंड में एक फीचर्स की बात करूंगा। यहाँ 3 रह रहे हैं, यहाँ पे स्टेटस है, तो आप रेट दे सकते हो इस ऐप को, और मैं ऐप का नाम अभी आपको बताने वाला हूँ। व्हाट्सअप शॉर्टकट है, व्हाट्सअप गैलरी है, यहाँ पे गैलरी भी देख सकते हो, गैलरी ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर व्हाट्सअप स्कैन की। वैसे आप ऑलरेडी व्हाट्सअप स्कैन के बारे में जानते होंगे, व्हाट्सअप स्कैन क्या होता है, आप दूसरे के व्हाट्सअप को अपने फोन में स्कैन करके चला सकते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे और यहाँ पर बारकोड आएगा, बारकोड रीड करना है या और स्कैन कराना है आपको अपने व्हाट्सअप से, तो आप यहाँ स्कैन करके दूसरे के व्हाट्सएप को अपने फोन में चला सकते हो। तो आप इस फीचर के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मुझे बता दीजिएगा। ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और इसको आप यूज कर सकते हो, और पीसी में यूज करके इसके कई सारे बेनिफिट ले सकते हो। तो गाइस आप चलते हैं इस ऐप के बारे में कि इस ऐप का नाम क्या है, कहाँ से मिलेगा। तो वापस आता हूँ, इस ऐप का नाम सबसे पहले वापस लिखा देता हूँ, इसका नाम है गोगोन व्हाट्सएप टूल। ठीक है, तो गोगोन व्हाट्सएप टूल, मैं प्ले स्टोर पे जाऊंगा, प्ले स्टोर पे आके गोगोन व्हाट्सएप टूल में यहाँ से टाइप कर देता हूँ सर्च बार में, और यहाँ पे मैं आपको टाइप करने वाला हूँ, और मुझे वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया है, तो मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी ये है तो मुझे ओपन करना है। अब जैसे ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी की बात करेगा यहाँ पर, तो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन ऑन करना है। एडिशन सेटिंग में जाके आप यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, और इसको ओपन करने के बाद मोड डाउनलोड सर्विस, और यहाँ पर गो गॉन व्हाट्सएप मिल जाएगा, तो उस वक्त ये फीचर आपका ऑफ होगा। मैं ऑफ कर लेता हूँ। ओके, और जब इसको फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको ओके कर देंगे और ओके कर देंगे, अब आपका ये एक्टिवेट हो चुका है। तो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।